कौन करछो तमे नन्ना तो पळोचंती ऑफिस सुबह तो पळेला स्कूल से तो 6:30 रे पळे जाय करछो कोन तमे दिन सारा हां करबी दिन सारा बसची बोर हुए काम घर काम जति की कर दिए तापर बसिक ना बोर हुए टीवी देखो मोबाइल देखो कोनी पूरा सीरियस डिस्कशन ना आज माते अरे सुनो मु नानी को से कथा कहथली कि नानी तम दिन सारा करूछो कोन साड़ी देखिले सेठी माने माने सेम प्राइस सेम प्राइस सेते सस्ता केमिति तो कहतलु एठी से जिंस आसला को इते रेट के दी जाउ देखो मेंचे लेबल दे की पार है मैन्युफैक्चरिंग जगहटा हां सेटा मैन्युफैक्चरिंग जगहटा सेठू पुनी आसिला आउ गोटे डिस्ट्रीब्यूटर को ता पखरु आउ गोटे डिस्ट्रीब्यूटर को ता परे केते 10 मिडिल मैन बहुत जण रह जांते ना हम पखरे पहुंचला से जिंस रो रेट बढ़ जाउ छी जो जिंस 5000 रे मिलबा कते से 2500 3000 ता हमें सेठू जत जिंस धरिलु सब सस्ता रे पूरा मिलला आर्थर को एक्चुअली हम बहुत शॉपिंग रे बाती बोलू नहले हम भले कि स्टार्ट हम बेसिकली जाई दिनु बिट्टू बाहा कर पाई शॉपिंग पाई माने सितला बेसी फोकस करी पालु नि कि जिंसडा कोन एक्चुअली बेसी टिके स्टडी करथिले त माने गोडे किछ करा जाई परथांदा त उपर एक्चुअली तुमे जदे इंटरेस्टेड त तुम अपन गोडे प्लान करी पालनते सेई बोला छुट्टी अच्छी जीबा हम भी बुलीबा आसीबा सुने जीबू बुलीबू देखिबू सब टिके माने जदी मते लागले तुमे करि परबो देन जेके हम आगु स्लाइड स्टार्ट हां हमें जेते बडे तुम पई इन्फॉर्मेशन जोगाड़ करबा त सेटा ब्लॉग भाबरे समस्त पाखु पहुंचे दो हां सेटा तो ठीक अछि से दिन तो देखिबू ताते जदी सेठी लागिला जे हां करि परबो नै मु एथरो ट्राई करबी जदी तांकर जे सब हेड अछंती से माने से भी टिके कथा वार्ता हे पता करिया पई कोन प्रकृति रे तांकर केमती सिस्टम अछि कोन अछि सब पूरा डिटेल स्टडी करबी तापर सेटा ब्लॉग माध्यम रे हां अपन मानन को पाखु भी पहुंचे को ट्राई करबी जति की इन्फॉर्मेशन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मो बाहर कर परबी तो डेफिनेटली ट्राई करबी आ सब किछि डिटेल ब्लॉग रे शेयर करबो अपन के सते होपफुली अपन माने ब्लॉग टा इन्फॉर्मेटिव निश्चय रहइबो तो देखिबा एई वीकेंड रे प्लान करबा कोन चलो छुआ को छाड़ी बाहर मुंड नमस्कार आम मैंने आसी पहुंची जाए अजमेरा फैशन ने आठी सर सहित कथा हबा कि कौन केमती चले बिजनेस यूनिट केमती भाव में आपण मैंने एते इजीली बिजनेस घरू ही रहीके करें केमती घर अर्डर करें ता सहित पुणी जो मैंने नुआ नुआ बिजनेस स्टार्टअप करछु कौन कौन सपोर्ट मिल पार बीज हाउस वाइफ कि जे भी हूँ समस्ते चाहिए बिजनेस स्टार्ट करें से रिलेटेड कम्प्लीट इनफर्मेसन आम आज सर ठार ना तो चलत सर सहित देखा सर नमस्कार नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप लोग ठीक है बहुत अच्छा लगा सूरत आके और यहाँ का मतलब जो जो जर्नी करके हम आए एकदम इजी था हमको कुछ भी नहीं फील हुआ कि हम एक नया जगह जा रहे हैं और यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली हैं वेरी सपोर्टिव आउ एठी आसी अपन मैंने फील करेंगे कि जमती निज घर को ही आस टाइप्र ही एनवायरमेंट
उड़ीसा के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ऐसे गुजराती भी बहुत अच्छे हैं, सभी जगह से कोई दिक्कत नहीं आती है। और उड़ीसा की भी बात करूं तो बहुत सीधे लोग हैं वहाँ के, डरते हैं थोड़ा बाहर निकलने के लिए, मैं ये दिखता हूँ। तो अगर सूरत आना चाहते हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब लोग आए हैं, मैम लोग आए हैं, सब तो हमारे सेलिब्रिटी लाइक लग रहे हैं एकदम, चश्मा वश्मा एकदम लगाए हुए थे, अभी तो मैं लगा के देख सकता हूँ मेरे ये कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, सर के जैसा तो नहीं लगूंगा मुझे मालूम है। और मैं लगा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है मेरे को, लेकिन मैं सर के साथ बैठ के अभी बात किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी फीलिंग आती है जब अच्छे लोगों के साथ आप बैठते हैं, उनके ओरा में आते हैं, तो आपको भी एक ऊर्जा मिलती है, मुझे वो एक अंदर से पॉजिटिव एक वाइब्स आती है। हम लोग भी बहुत पॉजिटिविटी लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू आप आए हैं इतनी दूर से और मौका दे रहे हैं मुझे अजमेरा फैशन में जो हम लोग करते हैं बात को व्यूअर्स तक पहुंचाने का, उड़ीसा वासियों तक पहुंचाने का। उड़ीसा वासी, वो उड़ीसा वासी जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, मेरी जाने की बहुत तमन्ना है एक बार मैं आऊंगा 100%। तो उन सभी लोगों तक आप बात हमारी पहुंचा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और बताइए तो सूरत कैसे आना हुआ? सर, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बात यहाँ से स्टार्ट हुई कि वो घर पे बैठी हैं। ओके। जीजाजी चले जाते हैं, तो हमने प्लान किया कि उनके लिए कुछ स्टार्ट करेंगे, तो जैसे वो मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, हाउसवाइफ के लिए कैसे इजी प्रोसेस है, लेडीज लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस कपड़ा बिजनेस ही, कपड़ा बिजनेस होता है। बाकी जगह पे तो ठीक है, कपड़ा बिजनेस तो देखिए सभी के लिए इजी है, पर ये वुमेन्स वियर जो है एक लेडीज के लिए बहुत इजी है क्योंकि वो खुद यूज करती है उसको, नेटवर्क बड़ा रहता है, नेटवर्क बड़ा रहता है, सबसे बड़ी चीज है। वुमेन्स वियर के अंदर ऑप्शन इतने सारे आ जाते हैं, साड़ी में भी इतनी इतनी साड़ियां होती है, सिल्क साड़ी होती है, सिंथेटिक साड़ी होती है, कॉटन साड़ी होती है। कॉटन साड़ी की बात करूँ तो उड़ीसा में तो प्योर कॉटन सूती साड़ी तो जबरदस्त बिकती है सर, जबरदस्त। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और फैशन आप लोग अच्छे से कैरी करते हैं, खासकर महिला, आप और हम फिर भी पैंट शर्ट जींस टी शर्ट कुछ भी पहन के चल जाता है। मेरा तो ऐसा है कि मैं तो यही पहनता हूँ 12 महीने, पहन के भी घूम लेता हूँ। आप तो सेलिब्रिटी है सर। तो लेकिन लेडीज लोगों के लिए फैशन बहुत मायने रखती है, इस फैशन पे ही अपना बिजनेस, हमारा बिजनेस तो खासकर इस पे डिपेंड है। तो इसके बीच में भी बहुत सारी चेन बन सकती है, होलसेलर बन सकते हैं आप, डीलर बन सकते हैं आप, रिटेलर बन सकते हैं आप, रिटेलर शॉप के जरिए नहीं बनके घर पे बिजनेस कर सकते हैं। आज हमारे साथ लगभग 10,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेडीज जिन्होंने इस बिजनेस को घर से स्टार्ट किया था। और उसमें से लगभग 200+ लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिजनेस को घर से तो स्टार्ट किया था, शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है और उनके घर का जेंट्स कोई ना कोई इन्वॉल्व है उनके साथ में उस बिजनेस को बड़ा करने के अंदर, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ऐसा कोई भी अगर उड़ीसा में भी अगर चाहते हैं, जैसा कि आप सिस्टर के लिए आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, घर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे तो है ही है सब चीजें, पर आपके भी मन में अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप बताइए, व्यूअर्स को भी काम लगेगा हमारे कहीं ना कहीं। एक्चुअली चीज क्या है ना, हम पहले देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि कैसे चलता है ये बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग। तो जो कोई भी चाहते हैं टू स्टार्ट ए बिजनेस तो पहले विजिट करें, विजिट करके देन यू अंडरस्टैंड प्रोसेस कैसा है, क्या क्वालिटी मटेरियल है, कैसा है सब कुछ, देन यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि हाँ आई एम डिलीवरिंग द बेस्ट थिंग टू माय कस्टमर्स। तो वो चीज जानने के लिए ही हम लोग आए थे, और सर से बात करने का फर्स्ट इंटेंशन है हमारा कि एक पॉजिटिविटी लेके जाए कि यस वी आर जस्ट एश्योर्ड एवरीथिंग इज फाइन इन द राइट प्लेस इन राइट हैंड, वही चीज के लिए हम लोग विजिट किए हैं। आपका आपका बड़प्पन है, देखिए आप ऐसा मानते हैं, हम तो वो करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, बस इतना है। सूरत के अंदर थोड़ा सा एक ये रहता है कि नए लोग जो आते हैं, मतलब नया बिजनेस किसी को करना है या फिर कोई रिटेलर है
छोटा रिटेलर है तो उसको सूरत में अटेंड नहीं किया जाता है, ये एक मिडम बना है सूरत का। यहाँ जैसा एक अजमेरा आप देख रहे हैं वैसे 40 से 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पे जो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। करोड़ों मीटर माल डेली का प्रोड्यूस होता है और यहाँ से डिस्पैच होता है आउट ऑफ गुजरात, आउट ऑफ सूरत। तो लेकिन दिक्कत ये की है कि भाई डीलर और होलसेलर को ही कपड़े को दिया जाता है, यहाँ से अटेंड किया जाता है, रिटेलर को नहीं किया जाता है। तो अजमेरा फैशन ने फर्स्ट टाइम ये काम चालू किया है पिछले 6-7 साल से कि डायरेक्ट एक रिटेलर को अगर कपड़ा चाहिए, रिटेलर ऑलरेडी है तो भी ठीक है, या नया किसी को करना है तो भी वो यहाँ आइए, आपको उसी रेट में कपड़ा मिलेगा जिस रेट के अंदर हमारा अगर कोई कटक में डीलर है या भुवनेश्वर में डीलर है या कोई कहीं का भी डीलर है, उसको जिस रेट में कपड़ा हम देते हैं वही रेट हम एक रिटेलर के लिए या एक लेडीज जो घर से बिजनेस करना चाहती है उसके लिए भी वही सेम रेट रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो भी बहुत हाई नहीं है जितना हम लोग समझ चुके हैं। बिल्कुल, घर से अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो 25-30 हजार रुपए में आराम से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई लाखों रुपए लेके ऐसे नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करना। सबसे बड़ी चीज ये कि कोई अगर 25-30 हजार तो विजिट नहीं करेगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप, अगर आप वहाँ बैठे किसी कारणवश आप नहीं आ सकते हैं तो आप वहाँ बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी टीम है जो व्हाट्सएप पे पूरा सारी चीजें आपको दिखाएगी। पर एक मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हैं, नया कर रहे हैं वो है, तो एक बार आइए देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जरूरी है कि आके विजिट करना है, समझना है बिजनेस को, फिर स्टार्ट करना है, बिकॉज़ यू कैन सी द वैरायटीज यहाँ पे, क्या क्या वैरायटीज है, तो वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। हमारे बच्चे गाइड करते हैं हर तरीके से कि भाई आपके एरिया में कौन सा प्रोडक्ट बिकने वाला है। प्लस लैंग्वेज का भी एक इश्यू आता है कि भाई उड़ियाई बोल सकते हैं आप या तमिल बोल सकते हैं, मलयालम बोल सकते हैं आपको, हम हर तरीके की हर लैंग्वेज के बच्चे हमारे पास है। आप उड़ीसा से हैं तो उड़िया जो लैंग्वेज होती है वो भी बोलने वाले बच्चे हैं हमारे पास, वो आपको आपको उसी लैंग्वेज में बात करके समझाएंगे पूरी चीज, तो वो इजी होगा जानने के लिए, कोई भी चीज बहुत इजी होगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो बहुत इजी है, जैसे सर लोग को इजी लगा है यहाँ पहुँचने में, कोई दिक्कत नहीं हुई है, वैसा आप भी आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्लाइट से मैं हमारे यहाँ अजमेरा फैशन में आने की बात करूँ तो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, 10-12 किलोमीटर की। रेलवे स्टेशन से आप आते हैं तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है, 2.25 किलोमीटर की दूरी है, आप आराम से आ सकते हैं। कैब चलती है यहाँ पे, बहुत अच्छी सुविधा है, ओला उबर बहुत सारी कैब चलती है, आप आराम से उसको करके आ सकते हैं। आप ऑटो में भी आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, पर ऑटो में थोड़ा सा इतनी बड़ी मंडी है ना, तो जहाँ इतना बड़ा बिजनेस होता है वहाँ कुछ थोड़े बहुत लोग एक आध निकल जाते हैं, तो वो दलाली का काम करते हैं वो लोग, वो उनको कहाँ ले जाके हमारे दूसरी जगह ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं। तो आप जिसका भी वीडियो देख रहे हो, जिसका भी देख के आपको मन करता है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ डायरेक्ट पहुंचिए आप, किसी कोई बीच में मिडल मैन को आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे वो चीज है नहीं कि मिडल मैन कोई चाहिए आपको, वो चीज है नहीं, आप डायरेक्टली आके कॉन्टेक्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से लेके जाना चीजें बहुत इजी है, जैसे हम लोग बाहर देख रहे थे बहुत बड़ा बड़ा पार्सल बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट होके यहाँ से जाता है, तो वो तो आगे धीरे धीरे जब हम वो सारी जवाबदारी हमारी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा आपको देना है, जैसे आप अभी ऊपर घूम लिए हैं कि बाकी है? नहीं, बाकी है। ठीक है, अभी आप जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। मान लीजिए आप चूज करते हैं, आपको पसंद आता है, कुछ आप लेते हैं अपनी सिस्टर के लिए बिजनेस करवाने के लिए, तो वो आपका पार्सल जो है वो हमारी जवाबदारी हो गई। फिर आप पैसा दे के चले जाएंगे ऐसा नहीं है, आप पैसा देंगे तो फिर हमारी एक जवाबदारी बन गई कि वो कपड़ा हम आप तक किस तरीके से पहुंचाएं। उसका भाड़ा जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वो आपको पे करना है, वो वहीं पे करना है आपको। हाँ,
आफ्टर डिलीवरी। जितना सर मेरे को नॉलेज है कि जो कुरियर होता है ना उससे बहुत कम होता है, कुरियर बहुत कॉस्टली है, ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है। देखिए आपको यूज करने के लिए खरीदना है तो कुरियर प्रीफर कर देते हैं कि ठीक है 140 रुपए पर केजी, 120 रुपए पर केजी कुरियर में लगता है। हम ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, ग्रेट इंडिया सबसे अच्छी ट्रांसपोर्ट है वहाँ के लिए, यहाँ से गिरनार में जाता है, ग्रेट इंडिया से आपको वहाँ पे मिलेगा उड़ीसा के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, बाकी सूरत से सब जगह के लिए ट्रांसपोर्ट है, वो 10-15-20 रुपए में मैक्सिमम पर केजी में आपका पार्सल पहुंचा देती है, बहुत कम। और वो भी रास्ते के अंदर किसी भी तरीके का कोई बनाव बनता है, एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, पार्सल आपका चोरी हो गया, या फिर आग लग गई पार्सल के अंदर, आपको माल नहीं मिलता है, हम आपको या तो पैसा रिफंड करेंगे नहीं तो आपको दूसरा माल देंगे, उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सो एबे तो अपन माने पूरा रेस्ट से ऑर्ड हे जाती बे कि केमती चले एठी ऑपरेशन केमती सब किछि प्रोसेस चले, तो जे भी निजा बिजनेस स्टार्ट करिया को चाहो छथि तो डेफिनेटली फॉलो करिके सेटा स्टार्ट करि परिबे। आ जेमति के एठी अछथि ओडिया लोक तामे भी जाय कि भितरे कोन अछि केमती का सब क्वालिटी मटेरियल मिले केते टंका रु आरंभ सब डिटेल देखेबो अपन मान को आगु पस्तवा वीडियो गुडा करे। तो अभी आप ऊपर जाएंगे देखेंगे सारी चीज, तो समझ लीजिए मैं बच्चे को भेजता हूँ। उड़िया आती है बेटा तुमको? अच्छा बहुत बढ़िया, मेरे को तो वो दूसरी क्या नाम है शिवानी, मेरे को ऐसा लगा कि वही उड़िया जानती है, ये भी जानती है उड़िया, तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको भेज देता हूँ। और अगर ऐसा कुछ आपके भी मन में अगर कहीं है आपको बिजनेस करना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक कॉल कर लीजिए, हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो नंबर आप स्क्रीन पे ऐड कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दीजिएगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए आप और कुछ मत कीजिए, समझिए किस तरीके से आप घर बैठे एक छोटी सी अमाउंट के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, तो अगर वो जान लेंगे तो ही तो आगे का स्टेप आप उठा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए हैं, मैं भेजता हूँ गुड़िया के साथ, ये हमारी गुड़िया है। बेटा आप भी अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को एक बार दे दो, उड़िया में जय जगन्नाथ, मु प्रिया। आओ आप तो मतलब देखो थे अजमेर फैशन ओडिसा चैनल रे, तो मैम संगे मो अछि किना, तो मैम पूरा गाइडेंस करिबे केंदी कोन प्रोडक्ट खरीका मिलु छथि और केंदी कोन माने आपन परचेसिंग खरीका करि परि सब डिटेल्स मो आजि आपनको मैम को थ्रू आजि आपनको वीडियो रे जणैबे। अच्छा जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, तो उसी के साथ हम अपना भी चैनल बता देते हैं, अजमेरा फैशन इजी तो है ही है, उड़िया भी हमारा चैनल है अजमेरा फैशन उड़ीसा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो इस तरीके की जानकारी जो मैम लोग इतनी दूर से आके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो डायरेक्ट भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी पहुंच सके, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके, तो मुझे मजा आ गया आज, बहुत अच्छा लगा। तो अब आप लोग जाएं गुड़िया के साथ और पूरा आप देख लीजिए, फिर जैसा भी आपने डिसीजन लेना हो वो लीजिए। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट, सिस्टर को भी बोलिएगा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नए बिजनेस के लिए, जो मन में सोचा है मैं उसी के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सोचना भी एक बड़ी बात है, लोग सोचते ही नहीं है, आपने सिस्टर ने सोच लिया है मतलब एक स्टेप आधी दूरी पूरी हो गई है, तो सोचिए कुछ करने का और सोचने के साथ एक कॉल कीजिए हमारे नंबर के ऊपर, ठीक है बेटा सर को लिखे जाओ।